अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। नाज़रीन, आज मैं रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये चिकन की बहुत लाजवाब बिरयानी की रेसिपी है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन के रेडी होती है। तो ये बहुत जायकेदार बनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने सर्व करके भी रखा है, तो देखें आप कितनी लाजवाब खिले खिले चावल की ये बिरयानी बनी है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ अब हम बिरयानी का मैरिनेशन करने चले हैं। तो ये 1 किलो हमने चिकन ले लिया है विद बोन, और अब इसमें जो हम मसाले शामिल करेंगे वो इस तरह से करेंगे। 1 कप दही यानी 200 ग्राम दही डाल लेना है आपने। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच यानी 2 चाय के चम्मच ग्रीन चिली, लाइट ग्रीन कलर की, उसको क्रश करके वो ले लिया है। हल्दी पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और अब कुछ मसाले इस तरह से जाएंगे जो इस बिरयानी को और खास बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 3 चाय के चम्मच मीट मसाला लिया है, या आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पर हमने लिया है नमक। इस मीट मसाले में मिर्च भी होती है, तो यहाँ पर मिर्च और ग्रीन चिली आप देख कर डालिएगा। तो इन तमाम चीजों को भी आपने इसमें ही शामिल कर देना है। यहाँ पर हमने 1 नींबू लिया है मीडियम साइज का, तो इसका रस आप इस तरह से यहाँ पर डाल दें। अच्छा रसदार नींबू लीजिएगा। नींबू डालने के बाद अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 5 टमाटर, ये मीडियम साइज के हमने ले लिए थे। अब यहां पर हम शामिल कर रहे हैं 5 मीडियम साइज की प्याज का ब्रिस्ता। ब्रिस्ता शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 मुट्ठी पुदीना और 2 मुट्ठी हरा धनिया। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं। नॉर्मली बिरयानी में ये सब चीज़ें डलती हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बिरयानी बता रही हूँ ये बहुत ख़ास है, और ईद स्पेशल में आप इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलें, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। तो आलू हमने ले लिए हैं, बर्तन हमारा थोड़ा छोटा हो रहा है लेकिन हम इसको संभाल कर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 आलू ले लिए हैं, और आलू जो हैं वो बिरयानी की जान होते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं बिरयानी में आलू। तो यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के आलू ले लें, और या अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये आलू आपने कट कर लेने हैं बीच से और इस तरह से डाल देने हैं। और अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1.5 कप ऑयल। तो ये अभी हमने डाला है 1 कप ऑयल, 1/2 कप ऑयल और यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, यानी टोटल आपने 1.5 कप ऑयल शामिल कर देना है। जिस ऑयल में आप ब्रिस्ता फ्राई करें वही सेम ऑयल आप इसमें डालें, बहुत ही फ्लेवरफुल ऑयल होता है। तो चलें अब इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं और इसको अच्छे से मैरिनेट करते हैं। ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो बहुत लाजवाब बनेगी आपकी ये बिरयानी। अभी इसमें कुछ खास चीज़ें रह गई हैं, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अब जो बिरयानी को खास बनाने के लिए यहाँ हम चीज़ें डाल रहे हैं वो है 1 चाय का चम्मच शक्कर। आप सोचेंगे शक्कर डाल रहे हैं बिरयानी में, लेकिन आप डाल के देखिएगा, ये गुरु मंत्र है। और ये मेरी फ्रेंड लुबना साजिद खान ने मेरे साथ शेयर किया है कि सीमा इस तरह से बनाकर देखो बिरयानी बहुत लाजवाब बनती है, और बाकी मैंने उनके हाथ की बिरयानी खाई है और बहुत लाजवाब होती है। थैंक यू सो मच लुबना इतनी बेहतरीन रेसिपी देने के लिए। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट जाएंगे, जैसे ये खुबानी है, इसको जरदालू बोलते हैं, ये हमने ले लिए हैं 10। ये आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, अगर आपको
कम लगे तो कम डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने 20 काजू लिए हैं। ईद के हिसाब से बिरयानी बन रही है और बहुत खास बिरयानी बन रही है, तो इसमें ये सब चीजें जरूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बिरयानी आपको पसंद आएगी, तो आप नॉर्मल डेज में आपके यहाँ गेस्ट आएंगे तो जरूर बनाएंगे आप ये। अच्छा, 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून किशमिश ले ली है, तो ब्लैक वाली हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं, और ये गोल्डन वाली थी ये हमने शामिल कर ली है। अब क्योंकि मैरिनेशन के लिए ये हमारा जो थाला है माशाल्लाह भर गया है, तो इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और फिर मैरिनेट करके रखेंगे। 2 से 3 घंटा भी कर सकते हैं मैरिनेट, और ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो चलें इसको ट्रांसफर कर लेते हैं और इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मिर्च और नमक थोड़ा कम मालूम दे रहा है, क्योंकि मैं शूट रात में कर रही हूँ, तो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चाय का चम्मच नमक और ऐड किया है, और मिर्च जो है वो भी हमने ये क्रश की हुई ली है, तो ये भी हम 3 चम्मच और ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको लाल पसंद है तो लाल ले लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मेरी मम्मी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बिरयानी में हरी मिर्च से ज़्यादा जायका आता है। तो चलें अभी ये चीज़ें, तमाम चीज़ें हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। बस मिक्सिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा, कि जितना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा उतना ही आपका ये बिरयानी जबरदस्त बनेगी। तो चलिए ये अच्छे से हमारा मैरिनेट हो गया। सारा मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी फाइनल पे आपने डालना है यहां पर 1 टेबलस्पून भर के केवड़ा वाटर, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं रोज वाटर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसको कवर करके आप ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट रख दीजिएगा, मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ओवरनाइट नहीं रखना चाहें तो 2 से 2.5 घंटा तो कम से कम ज़रूर रखिएगा। तो चलिए इसे हम रख देते हैं। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब इसे हमने कुक करना है। तो कुक करने के लिए हमने इसको फ्लेम पर रख दिया है, कवर कर देंगे और इसका वेट करेंगे, इसमें पानी रिलीज हो जाएगा, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। तो 5 मिनट तो आप इसको ऐसे ही कवर करके कुक करें। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब इसे आप अच्छे से चला लीजिएगा और इस वक्त भी टेस्ट कर लीजिएगा कि अगर नमक मिर्च कुछ कम है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें इसको अब हम फ्लेम को स्लो कर लेते हैं, और स्लो फ्लेम पर इसको हम कम से कम 10 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे चिकन और आलू हमारा गला है कि नहीं। तो अभी फिलहाल इसको हम कवर कर देते हैं। चिकन को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, काफ़ी पानी रिलीज हो गया है इसमें, और माशाल्लाह ये चिकन गलने भी आ गया है। ये देखें लेग पीसेस से ये अलग होने लगा है गोश्त इसका। तो इसको अब हम फास्ट करेंगे और इसको खुश्क कर लेंगे। यहाँ आलू भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आलू भी अच्छे से गल गए हैं। बस आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि इसको हमने दम भी लगाना है तो राइस के साथ। तो बस इसको अपने 80% जितना चिकन को कुक करना है। मोस्टली तो 15 से 20 मिनट लगते हैं चिकन सही तरीके से पकने में, लेकिन यहाँ थोड़ा कम पकाएंगे हम।
और आप चाहें तो आलू, इस वक्त मैं भूल गई निकाल कर, इसको फ्राई करके भी डालते हैं। मोस्टली यहाँ मुंबई में बिरयानियों में आलू जो है मैरिनेशन भी करके फ्राई कर लेते हैं, और बाद में भी खाली ऐसे प्लेन आलू भी फ्राई करके इसमें दम के टाइम डाल देते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आलू में ये मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए, जब आप बाइट लें तो आलू का मसाले वाला फ्लेवर आलू में आना चाहिए। चलें अब इसको हम थोड़ा खुश्क कर लेते हैं मसाले को। यहाँ चिकन अच्छे से भुन गया है और बस अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे। ये देखिए मसाले में थिकनेस आने लगी है, बस इतने पे ही आपने फ्लेम को बंद कर देना है। और अब चलते हैं चावल की तरफ, चावल को देख लेते हैं। बिरयानी के राइस के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो बासमती राइस ले लिया है और इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश किया जब तक ये पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया और इसकी डस्ट नहीं निकल गई। उसके बाद हमने इसे आधे घंटे के लिए सोक कर दिया और यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा तेज़ रखना होता है क्योंकि पानी को छान देना होता है, तो इसलिए नमक का थोड़ा तेज़ रहना ज़रूरी होता है। कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दीजिएगा 1-1 इंच के, 4 हरी इलायची डाल दीजिएगा, मुंह ओपन करके डालिएगा, और 3 टुकड़े तेज पत्ते के, 2 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके डाल दीजिएगा, और 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस से चावल में जो व्हाइटनेस होती है वो बरकरार रहती है। बहुत सारे लोग इसमें छिलके भी डाल देते हैं, तो छिलके मत डालिएगा क्योंकि जिस हिस्से में चावल में छिलका आ जाता है वहां पर कड़वापन आ जाता है। और साथ साथ जाएगा 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। यहाँ पर पानी में अच्छे से जोश आ गया है। अब आपने करना क्या है, जो सोक किए हुए राइस हैं वो आप इसमें डाल दें। चावल में अच्छी खुशबू लाने के लिए आप यहाँ पर केवड़ा वाटर भी शामिल कर दीजिएगा, तो तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच यहाँ पर शामिल कर दें। 3 मिनट हो चुके हैं, राइस को चेक कर लेते हैं। बस फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ पर हम पानी को ड्रेन कर देंगे। उससे पहले हमने 1 कप जितना पानी निकाल के रख लेना है। अब यहाँ पर हमने लेयर लगानी है, तो चावल हमने सारे छान लिए हैं लेकिन थोड़े राइस हमने यहाँ बॉटम रह रहने दिए हैं। अगर आप चाहें तो डबल लेयर भी लगा सकते हैं, यहाँ मैं सिंगल लेयर ही लगा रही हूँ। तो ये हमने राइस नीचे रहने दिए। अब इसमें हम मसाला लगाएंगे। मसाले को हमने अच्छे से राइस के ऊपर बिछा दिया है। अब आपने करना क्या है, अब जो ये आलू हमने सेपरेट रोके हैं, इन आलूओं को आप अच्छे से इस तरह से बिछा दीजिएगा। इस तरह से करने से जब आप सर्विंग करेंगे तो आलू टूटेंगे नहीं और आराम से निकलेंगे। अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है बिरयानी में आलू निकाल के लाइए, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ईजीली आलू निकल कर आएंगे।
अब बारी आ गई है बिरयानी के दम लगाने की। तो यहाँ पर हमने एक चुटकी सैफरन ले लिया था और जो हमने चावल का पानी निकाला था उसमें ही इसको सोक कर दिया है। तो इसको आप सब साइड इस तरह से डाल दीजिएगा और जो सैफरन बाउल में रह जाए उसको भी क्लीन करके डाल दीजिएगा। मसाले से हमने थोड़ा ऑयल निकाल लिया था और इसमें एक टेबलस्पून देसी घी भी डाल दिया है। तो ये ऑयल आप सब तरफ इस तरह से डाल दीजिएगा, अलग से आपको कलर डालने की जरूरत नहीं लगेगी। आप कुछ डाल दीजिएगा हरे धनिए के पत्ते। थोड़ा सा डाल देंगे हम यहाँ पर ब्रिस्ता। और अब इसको हम कवर कर देंगे, 5 मिनट फास्ट फ्लेम पर रखेंगे। अच्छे से स्टीम बन जाने पर स्लो करके इसको 15 से 20 मिनट दम दे दें। राइस अगर आपके ज्यादा कड़क रह जाए तो फिर कम से कम 20 मिनट में तो ये कवर होएगा, मतलब दम आएगा। और राइस अगर आपके अच्छे से कुक हो चुके हैं 3-4 मिनट में भी, तो आप 15 मिनट में इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट आपने फास्ट फ्लेम पर करना है और 10 मिनट आपने स्लो फ्लेम पर दम देना है। टोटल 15 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी हमारी अच्छे से दम आ चुकी है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन बिरयानी बनके हमारी रेडी हुई है। तो लीजिए नाजीन, ये गर्मा गर्म लाजवाब बिरयानी बनके रेडी है। बहुत ही खुशबुओं से महक रहा है माशाल्लाह हमारा किचन। और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह जानेंगे इसका जायका कि कितना ज़बरदस्त इसका जायका है। तो नाजीन, ये बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।